हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ गेहूँ के आटे में मिलाकर बनाए ये फेस पैक और पाए ऐसा निखार सब देखते रह जाएंगे। तो ये जानते हैं इसके बारे में। हर कोई यही चाहता है कि उसका चेहरा हमेशा चमकता रहे और इसके लिए उन्हें बहुत सारी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि चमकता हुआ चेहरा हमारी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। वैसे तो मार्केट में बहुत ही तरह के स्किन प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जो हमारे स्किन को बहुत जल्द फेयर और ग्लोइंग बना देते हैं, लेकिन ये थोड़े महंगे होते हैं और कुछ ब्रांड हमारे स्किन पर नेगेटिव इफेक्ट्स भी डाल देते हैं। अगर आप अपनी स्किन को नेचुरली फेयर और ग्लोइंग बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे आसान रेमेडी के बारे में जो आपके चेहरे पर एक ऐसी चमक लाएगी जिसे देखकर आप ही नहीं बल्कि हर कोई हैरान रह जाएंगे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। इसे बनाने के लिए हमें कुछ सामग्री चाहिए। पहला, एक चम्मच मुलट्ठी पाउडर। मुलट्ठी पाउडर में एंटी बैक्टीरियल और स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे फेस पर पिंपल्स को आने से रोकते हैं और हमारे स्किन का रंग भी निखारते हैं। नंबर टू, एक चम्मच गेहूं का आटा। गेहूं का आटा हमारे स्किन पर एक अच्छे स्क्रब का काम करता है और हमारी स्किन का रंग भी निखारता है। नंबर तीन, एक चम्मच बेसन। बेसन स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है। यह स्किन का रंग निखारने के साथ साथ स्किन को ग्लोइंग बनाने में भी काफ़ी हेल्प करता है। नंबर फोर, दो चम्मच ठंडा दूध। आपको इस रेमेडी में बिल्कुल ठंडे दूध का इस्तेमाल करना है। दूध स्किन पर एक अच्छे टोनर का काम करता है। इसमें लैक्टिक एसिड होता है जो डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, हमारी स्किन को क्लीन और सॉफ्ट बनाता है। अब जानते हैं इसे बनाने की विधि। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आप एक क्लीन बाउल लें, फिर इसमें मुलेठी पाउडर, गेहूं का आटा और बेसन डालकर इन्हें मिक्स कर लें। इसके बाद आप इसमें ठंडा दूध डालें और फिर अच्छी तरह मिक्स करके एक फेस पैक तैयार कर लें। अब जानते हैं इसे कैसे यूज़ करना है। इस फेस पैक को अप्लाई करने से पहले आप अपने चेहरे को रोज़ वाटर से क्लीन कर लें। इसके लिए आप एक कॉटन बॉल लेकर उसे रोज़ वाटर में डिप करें और फिर अपने फेस को क्लीन करें। अब आप अपने फेस पर इस फेस पैक की थिक लेयर लगाएं और 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद आप अपने फेस को ठंडे पानी से वॉश कर लें। आप इस पैक का यूज़ अपने फेस पर नहीं बल्कि अपनी पूरी बॉडी पर भी कर सकते हैं, जैसे हाथ और पैर आदि। आपको इस फेस पैक का यूज़ एक हफ्ते तक रेगुलर करना है। इसके बाद आप इस फेस पैक को हफ्ते में 3 बार यूज़ करें। इसके रेगुलर यूज़ से आपके फेस पर ऐसा निखार और ग्लो आएगा जिसे देखकर आप हैरान रह जाओगे। ये फेस पैक स्किन का कालापन, डलनेस और पिंपल्स की प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊँगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।